भोजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सेला थाना की महिला तमन्ना का आरोप है कि मेरे देवर और जेठ मेरे मकान को हड़पना चाहते हैं, जिसको लेकर मुझसे भी मेरे पति से मारपीट आए दिन करते रहते हैं। पीड़ित महिला का आरोप है कि उक्त व्यक्तियों ने मुझे अकेला देखकर मेरे घर में घुसकर मेरे साथ छेड़खानी करने लगे, जिस कारण महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और महिला के विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट की। महिला का आरोप है कि मेरा घर खरीदने को लेकर नईम अमीन सखावत धारदार हथियार लेकर घर में घुस गए। उन्होंने महिला और महिला की बेटी के साथ मारपीट की। वह दबंगों की शिकायत करने थाना भोजपुर गई, वह तहरीर पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसमें दबंग व्यक्तियों के हौसले आए दिन बढ़ते नजर आ रहे हैं और जान से मारने की धमकी मिल रही है। पीड़ित परिवार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित परिवार पर धारदार हथियार व लाठी डंडों से हमला होते हुए वीडियो किसी ने बना लिया। यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दबंग लाठी डंडे व धारदार हथियार से महिला और उसकी बेटी को पीटते दिखाई दे रहे हैं। मेरे घर वाले को और मुझे, मैं शहर को गया था। 8 तारीख में बारिश हो रही थी। 7 बजे हम निकल जाते थे, क्या करने जाते थे? काम करने जाते थे पुलिस का जी। अब मुझे क्या मालूम था, बहुत दिनों से घटना तो चल ही रहा था हमारे भाइयों से। मुझे मालूम नहीं था ये जमीन के मामले में था, ये हमें छोड़ के जा, हमें छोड़ के जा। तो सर देखूंगा क्या, तो बेटी भी पिटी पड़ी है और घर वाले भी पिटी पड़ी है, और मैं आया तो मुझ पे भी लट्ठे बजा दे उसको कर दिए। एक के हाथ में छुरी है, दो के हाथ में डंडे हैं, और बचाने वाला कोई नहीं, बेहिसाब मार रहे थे। तो मैं ये कह रहा था, मार तो रहे हो, लेकिन ये तो बता दो किस बात पे मार रहे हो, अच्छा, इसकी आपने जगह तो बता दो। इसकी आपने शिकायत की है जी करी थी, पहले कहाँ पे? हमने 100 नंबर को फोन करा था साहब, हमें उठा के ले गए तीनों को, हम परे थे। जब उठा के ले गए तो हमें 100 नंबर वालों ने भोजपुर थाने में हमें छोड़ दिया। बोले यहाँ अपनी रिपोर्ट लिखवा दीजिएगा। हमने भोजपुर थाने में रिपोर्ट लिखवा के हमें उन्हें दिया है। अब वहां से कोई सुनवाई नहीं हुई, सुनवाई नहीं हुई तो हम गए कप्तान साहब के यहाँ कल, जी तो वहां से भी कोई अप्लाई नहीं आई।